जाने कितने इसके हैं रूह, एक पल जादू एक पल दूर, समझना इसको नहीं आसान, कभी आंसू कभी मुस्कान। नफरतों की आग में जलता रहा हूं मैं ही सदा, है मुझे अफसोस न आई मुझको जीने की अदा, जान कर अब रहूंगा मैं, जान कर अब रहूंगा मैं, जिंदगी के मायने तोड़ डालूंगा सभी मैं, बीत कल के आईने, कभी आंसू कभी मुस्कान, कभी आंसू कभी मुस्कान। तुम्हारी गीता दीदी कैसी हैं? अब तक तो शादी वादी हो गई हो? गोपाल भैया एक आ बात करत हो, अरे वो तो तुम्हारे साथ शादी के रहा ना। क्या रो रही हो? पता चला है कि गीता गोपाल के साथ नहीं भागी। हाँ। तो कहाँ मर गई वो? चंद्रू तुम इम्तिहान में अव्वल नंबर से पास हुए हो, ये रही तुम्हारी रिपोर्ट। सच दीदी? बिल्कुल। तो ये कैसे पहुँच गई दीदी? हमारे सपनों का राजकुमार हमें यहाँ लाके बेच दिया। सपनों का राजकुमार? गोपाल, पर एक बात का ख्याल रखना, जो गलती तुमने रज्जो के ब्याह के वक्त की थी ना, वो मिया के ब्याह के वक्त मत करना। हम गोपाल का छोड़ेंगे नहीं। देख सरट, मारपीट में का रखा है, जो होना था सही तो होगा। बुरा ना मानो तो एक बात पूछे चाचा। पूछो बिटवा। हम सोच रहे हैं कि हम मुनिया को ब्याह के शहर ले जाएं। पान खाए सही। एक आधार गोपाल का। गोपाल भैया इतनी सुबह? देख तुमका सीधी सीधी तरह बता, वही वक्त कहाँ मिली? वो हमको क्या पता भैया, बताता या नहीं या तोड़ू तेरे लुदू जायदाद। गोपाल भैया आप ही के घर गए अभी। हमरे घर? हाँ। वो गंदी नाले का कीड़ा हमरे घर का करने गया। गोपाल ससुरा तो गया काम से। हमका आशीर्वाद दो चाची। चुप चुप जियो बिठवा, भगवान तो का और पैसा वाला बना दे। हाथ ना जोड़ो चाची। चाचा इस सगुन का पैसा रखो आप, हम कल ही मुनिया को ब्याह के शहर ले जाएंगे। हाँ बेटा। चाचा आज के बाद तुम्हारी मुनिया हमारी जिम्मेदारी है। मुनिया दलाल की औलाद, एक बहन को तो बर्बाद कर तो दूसरी को बर्बाद करना चाहता। छोड़ेंगे नहीं चाचा, तुम्हारे सर की कसम हम ऐसा कछू ना किए। अरे हम ऐसा कछू कर सकते हैं चाचा? दीदी हम गोपाल की खोपड़ियां फाड़ के आ रहे हैं। कहाँ? तूला हमका 1000 रुपया दे, हमको बॉम्बे जाना है। शरत। चंद्रू। काहे शरत, क्या बात हो गई? अरे अच्छा यार तू आ गया, हम तोरा इंतजार कर रहे थे। हमारा इंतजार? हाँ। काहे? अरे हम गांव छोड़कर भागे जा रहे हैं। काहे गांव छोड़े की क्या जरूरत है? वो गोपाल मरा नहीं, बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे हमका वो दलाल गोपाल की चिंता नहीं है। तो फिर हमका वो नरक में ही नहीं रहना है बस। तो कहाँ जाए? बम्बई। बम्बई? अरे इतना बड़ा शहर, उमे ना तेरी जान ना पहचान, कहाँ जाए कहाँ सोई कहाँ उठी कहाँ बैठी है? तो क्या इतनी फिक्र है हमारी है? हाँ तो फिर चला मेरे साथ। हम? हाँ। अब क्या सोच रहे हो? पप्पा से क्या कहेंगे? अरे वो क्या कहना है, वहां से संदेशा भेज देना, चल जल्दी आ जा। बैठ।
तुमसे होकर जुदा मैं इस शहर में आया था, दिल में कुछ अरमां थे, आंखों में सपने लाया था, जिंदगी को ढूंढ के, जिंदगी को ढूंढ के सपने वो सारे खो गए, दिल में जो अरमां थे बेजान सारे हो गए, कभी आंसू कभी मुस्कान, कभी आंसू आप फक 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 कर रहा था, प्लग लूज होगा वाला कर था। क्या बात है भैया, क्या देख रहे हो? नहीं बस ऐसे ही। बम्बई में नए हो का? हाँ अभी अभी आए हैं, कुछ काम धंधा करेंगे। अरे काम धंधा ना है बम्बई में, पहली गाड़ी पकड़ो गांव वापस चले जाओ, गांव के लगे थो। तो का हमका काम नहीं मिलेगा? अरे बम्बई में उका वास्ते काम है, जो का खूब मेहनत करने की तैयारी हो गए। हम खूब मेहनत करेंगे। और रहोगे कहाँ? वो तो अभी सोचा नहीं, कुछ काम मिल जाए फिर सोचेंगे। हाँ। घर से भाग कर आए हो का? कौन से गांव के रहने वाले? मुखवापुर गांव के। क्या? हाँ। मुखवापुर गांव के? हाँ। अरे भैया फिर तो ही राम खिलावन मिस्त्री जरूर तुम्हारी मदद करेगा। आ जाओ बैठ जाओ गाड़ी में, चलो 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 आ जाओ। खोल ले उका दबा के खोल ले। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो कभी आए मुखवापुर से? अब ही आ रहे। अरे पकिया मुन्ना। बोलो मिस्त्री दादा। आओ इन दोनों को अपने बाजू की खोली में ठहरा दो जी। हाँ और फिर इन्हें पेट भर के खाना खिलाओ। जरूर। अच्छा तुम लोग काम धंधा क्या करना चाहते हो? आप हमका अपने ही साथ रख लीजिए, हम मोटर ठीक करने का काम सीखना चाहते हैं। अच्छा मिस्त्री का काम सीखना है? पकिया। हाँ। फिर तो इन्हें खाना खिलाने के बाद गालियां खिलाना भी शुरू करो। ये अच्छा। गालियां क्यों मिस्त्री जी? देखो भैया जब पकिया तुमसे 16 नंबर का पाना मांगेगा, तुम्हारी समझ में कुछ आएगा नहीं तो तुम 18 नंबर का पाना दे दोगे, बरोबर? तो इस पर पकिया तुम्हें गालियां देगा कि नहीं? और चंद्रू भैया गाली तो शुरू शुरू की बात है, बाद में तो मिस्त्री भाई के हथौड़ा जैसे हाथ की कनपट्टी भी खानी पड़ेगी। अच्छा का नाम बताया तुम दोनों? शरत चंद्रू। शरत चंद्रू। तो ठीक है तुम जब तक काम पूरी तरह नहीं सीख जाते तुम्हें 500 रुपया महीना मिलेगा। 500 रुपया मतलब काम सीखने के बाद और ज्यादा मिलेगा? तो कम कर दे। नहीं नहीं मिस्त्री जी ठीक है। अरे आजा 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 मेरे गांव का है भाई, चलो लग जाओ काम पे। आ जाओ चलो काम करते हैं। चुका दो सलाम रुबीना। आज का कलेक्शन आया? कितना? 1-2 हजार ज्यादा है बस। बस आजकल अपने धंधे को खतरा है, ढंग के लड़के नहीं मिल रहे चरस बेचने के लिए, जो भी मिलते हैं ज्यादा पैसा मांगते, रातों रात करोड़पति बनना है ना। ऐसे में तो अपना धंधा चौपट हो जाएगा। नहीं 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 ऐसी नौबत नहीं आएगी, उसका भी रास्ता ढूंढ निकाला करें। क्या? माल में मिलावट। माल में मिलावट करेंगे ना तो ही ज्यादा मुनाफा मिलेगा, लेकिन उसके लिए अपने पास ज्यादा लड़के चाहिए माल बेचने के लिए। लेकिन तुम तो कह रहे थे लड़के मिल नहीं रहे हैं। नहीं नहीं लड़के मिलेंगे अगर हम उनकी गारंटी लेंगे तो। गारंटी? अगर पुलिस ने उनको पकड़ा ना तो हमें छुड़ाना। ओहो हो अगर हम उन्हें पुलिस से छुड़ाएंगे तो? अरे सिर्फ गारंटी देनी है, छुड़ाना थोड़ी है हमें। स्मार्ट।
अच्छा रणदीप, तुम आज ही से इस काम में लग जाओ। लड़कियों का धंधा मंदा चल रहा है, इस एड्स ने तो सबको डरा कर रख दिया। कम से कम अपने चरस का धंधा ठीक ठाक चलना चाहिए, नहीं तुम सड़क पर आ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे आएंगे, मैं हूं ना। सुनो यार, हमरे को छुट्टी हो गई रे। ए मुन्ना, हाँ चल चल, हो गया कि नहीं? हाँ चल। अरे आ देहा दे भाइयों, चलो तुम्हें बंबई शहर दिखा के लाता हूँ। हाँ चलो भैया। हाँ ए चंद्रू चल। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों? तू यहाँ बैठे बैठे मक्खिया मारेगा? नहीं, हम अंग्रेजी सीखने की एक किताब लाए, हम तो उसे पढ़ेंगे। हमें प्राइवेट इम्तिहान देना। सुन लो इसकी बात। अब जब मिस्त्री का ही काम करना तय है तो पढ़ाई लिखाई करके क्या फायदा? मुन्ना ये बात बिना पढ़े लिखे नहीं समझ आ सकत। अरे मुन्ना छोड़ यार, ये तो दिमाग का दही बना रहे। चल अपन तीनों चलते। चलो चलो। शरद, अरे भैया हम तो उसे भी कहते कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले, यहाँ शहर में बहुत सारे स्कूल है जवान लोगों के पढ़ने के लिए। अरे चंद्रू, अब हम बूढ़े तोता हो गए, अब हम पढ़ के क्या करेंगे? अरे पकिया भैया, हम भी आ रहे हैं। एक बस के ऊपर दूसरा बस बैठा है। अबे वो देहाती प्रोग्राम, इसे डबल डेकर बस कहते हैं भैया। डबल डेकर क्या होता? इसका मतलब है दो मंजिल वाली बस। अच्छा अच्छा, जैसे गांव में दो मंजिला मकान होता वैसा? वैसा। इतना बड़ा नदी, अरे इका तो पार का किनारा ही नहीं दिखत है। अबे घनचक्कर, ये नदी नहीं है, समंदर है। समंदर? अच्छा अच्छा, ये है वो समंदर जहाँ बड़ी बड़ी मछली मिलते है। अरे मुन्ना देखा, अरे समुंदर को देख के आदमी के मन में कितने अच्छे ख्याल आते हैं, और इसे पड़ी हम मछली की। तुम मछुआरा है? अरे भैया हम गाँव में मछली पकड़ने का ही काम किया रहा। अच्छा, तो वो काम छोड़ के शहर में क्या करने आया तू? हमारी किस्मत हम कहने आते हैं, कोई खास मजबूरी है। ए शरद, क्या हुआ रे, घर वालों की याद आ रही क्या? अब ये पके छोड़ना है, तू भी यार खाली पीले सवाल पूछ के उसका मूड आप खराब कर रहा है बाप। ए चल 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 शरद, ए इसको रुबीना के अड्डे पे ले चलते हैं। अरे ये तेरा आइडिया बहुत सॉलिड है यार। चल 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 चल, एंजॉय कर यार। चल यार, गीता मेरी जान, किधर है पंडर लोग? चलो यार। चल बाहर निकल, मैं कहती हूँ बाहर निकल। ना जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। जबा हट यहाँ से, जा। हाय पकिया, हाय मुन्ना। अरे हाय हाय तो हमें करना चाहिए रुबीना डार्लिंग। क्यों क्यों, जैसे कुछ समझती नहीं हो। अरे शिकारी कभी हाय हाय करता है क्या? शिकार खुद हाय हाय करती है रे। बड़े धांसू दिखते हो, पहली बार देख रही हूँ। अरे ले, इससे तो पहचान करवाना ही भूल गया, ये अपना नया पंटर है शरद। शरद? राजकुमार लगते हो। अल्लाह। इतने दिन से हम आ रहे, हमको कभी राजकुमार नहीं बोला। अरे मुन्ना मेरी तो पूरी जल गई रे। अरे तुम लोग तो हीरा हो, हीरा। और अलग अलग हीरा का दाम भी तो अलग अलग होता है। क्या बात है। अरे रुबीना भाई, अब हीरा हीरा ही करते रहेंगे या हीरे को असली जोरी भी दिखाएगी? हाँ दिखाती हूँ दिखाती हूँ, चलो अंदर। और ये? अरे इसे भी ले जाओ। अरे आओ सरदवा, तुम्हारे तो लॉटरी निकल गई रे। मेरे को लगता है हमारे धंधे में जो फंटर चाहिए था वो मिल गया। मतलब?
एक बात बताओ, ये जो गांव से अनपढ़ गंवार लड़कियां आती हैं, उन्हें क्या चाहिए होता है? सीधी बात है, पैसा। बस ये जो शरत अंदर गया है ना, इसे भांस लो। ओके। लेकिन पहले सिर्फ वाच करने का, देखो ये कहां जाता है, क्या करता है। फांस लेंगे, धीरे धीरे फांस लेंगे रुबीना। फांसेगा तो जरूर, बिल्कुल अनपढ़ है। अरे उतना हुआ नहीं क्या? आप सेब तो मारिए। अरे टाइट कर उसे, टाइट कर। हाँ एक मिनट, एक मिनट मारिए। ठीक है, अब ठीक है। तेरे से स्क्रू टाइट नहीं होता? कितना टाइम हो गया काम करते हुए तेरे को गैरेज में? काफी अंदर। अच्छा ये गाड़ी भी हो गई भाई? हाँ। अब क्या वक्त हो गया? 6 बज गए। 6 बज गए? हाँ। तो एक काम करो, तुम लोग भी छुट्टी कर लो। अच्छा। और एक काम कर दे हो? हाँ। वो बांद्रा में ये गाड़ी एक मेम साहब के यहाँ छोड़ दे। ठीक है, ये लो चाबी। ठीक है, अच्छा पक्यो। हाँ बोल मुन्ना। चलेगा? हाँ बांद्रा। अभी आते आते माइकल का अड्डा पड़ता है, 9 तक लगा लेंगे। अरे मुन्ना तेरी आइडिया तो बुरी नहीं है, साथ में इन दो देहाती को भी ले चलते। चल। ओ सरदवा। ये चंद्रू। क्या बात है? चलतेगा? कहाँ? हाँ हाँ चलो ना। चलो। क्यों? नहीं भैया हम तो नहीं जाएंगे। क्यों? हम अंग्रेजी सीखने की एक किताब लाए, हम तो उसे पढ़ेंगे। अरे यार ये देहाती तो साफ बनने जा रहे हैं। ठीक है बच्चा तू किताब पढ़ते रहे। अच्छा शरदवा एक बात बता। आप पूछो। अब तक तू दूध ही पीता है कि कुछ दारू शारू चालू किए? पकिया भैया हाँ हम दारू पीते हैं पर ज्यादा नहीं पीते। फिर भी कितना पीता है? बस एक बोतल पीते हैं, उसके बाद हमका चढ़ने लगती है। अरे यार यहाँ हम लोग एक क्वार्टर में पूरे 28 हो जाते हैं यार, तू एक बोतल टाकी है यार। चल भाई। सुन भाई पैसे तो है ना जेब में? अरे है ना पक्या भैया। चल चलना यार। अरे भाई शरदवा। क्या बात है मुन्ना, अब तक आया नहीं बच्चा अपना? अभी तक नहीं आया। शरद क्या बात है, क्या बात है, मजा है। अरे भैया इतना मजा आया कि तबीयत खुश हो गई। ऐसा मजा तो हमको हमारे गांव में भी नहीं आया था। अच्छा मतलब तू गांव में भी चोंच मारता था? पक्या कसम से ये तो गुरु घंटा निकला। अच्छा ये एक बात बता, ये जो तेरा दोस्त है चंद्रू, ये कैसा है? अरे छोड़ यार वो तो किताबी कीड़ा है कीड़ा। अच्छा? शादी के रात में अपनी बीवी को यही बोलेगा क्या? तू सो जा मैं किताब पढ़ता हूँ। तो फिर इसे डिंग डोंग लेकर चलते हैं। डिंग डोंग मतलब इके बाद भी कुछ बचता है? इके बाद बोले तो डिंग डोंग तुम्हारे गांव में है नहीं। अरे शरद डिंग डोंग मतलब लड़कियां डांस बार में नाचती है रे, डिंग डोंग डिंग डोंग। अरे भैया जरा जल्दी निपटा लो बस। आओ ये बात है। हाँ। चल मुन्ना इसको आज छम छम लेके चलते हैं। चलो। अरे भाई शर्ट तो पहन ले। रुखसाना जरा शर्ट तो देना। शर्ट मैं भूल गए थे जोश में। अरे शरद एक बात बता, वो जगह कैसी थी? यार जगह तो बहुत बढ़िया था। अरे वो पूनम क्या डांस कर रही थी? अरे पूरा 500 का रोल वन साइड रॉक। अरे शरद मेरे को एक बात बता, सच्ची बता। हाँ बोल। वो दारू कैसी थी? यार दारू का खुशबू बहुत अच्छा था। हाँ। पर हमरे करेजवा पे उसका झटका नहीं। अरे भाई वो अंग्रेजी थी। ए, क्या नाटक है रे,
कब से क्या इधर देख के हंस रहे तू? देखिए भाई साहब, हम आपको नहीं हंस रहे, हम आपस में बात कर रहे हैं। ए शाने, दांत भी तोड़ा होगा समझा? अरे भैया कहे जा रहे? भैया किसको बोलते रहे? भाई छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा, क्या करेगा रे? छोड़ो। अरे बड़ा भाई बन रहा था। थानेदार साहब, ये पकिया, मुन्ना और शरद हमारे गैरेज में काम करने वाले मिस्त्री हैं, उनको काय के वास्ते पकड़ के बंद कर लिए हुआ? कल रात एक पान के ठेले पर दारू पीकर उन्होंने मारपीट की। मगर हम कह रहे हैं कि वो गुंडे मवाली नहीं है। हाँ, दिन भर की थकान उतारे के वास्ते एक आध नौटांक लगा लिए होंगे। अब जाने दीजिए आप उन्हें। कागज लाए हो? कागज? कागज काहे के? अरे भाई जमानत के कागज। अरे इतना बड़ा गैरेज खोल के बैठे हैं हम, हमारा कहना काफी नहीं है का? देखो मिस्त्री जी, केस रजिस्टर हो चुका है, कानूनी कार्रवाई के बगैर मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। हाँ हाँ, तो करवाए देंगे ना कानूनी कार्रवाई भी पूरी। चंद्रू बेटे, समझ ले साहब से कौन कौन सा कागज बनना है, हम अभी बनवाए के भिजवाए देते। अब आप आने दीजिए हमारे लोगों को, हमारे साथ, हमारे काम का हर्जा हो रहा है। माफ कीजिए मिस्त्री जी, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। थानेदार साहब, हम इतनी देर से ठंडताई से पेश आए रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बात में कोई दम ही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, चलो चलो बाहर निकलो, जमानत हो गई तुम्हारी। मैंने बोला तो नहीं यार, तू खाली पीली टेंशन लेता है। आओ 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 पकिया, मुन्ना शरद आओ। मुन्ना तेरे को मैंने बोला था ना, अपना जमानत होएगा मतलब होएगा। अरे मिस्त्री साहब ने अपना जमानत दे दिया, थैंक यू। जमानत हमने नहीं, इन्होंने कराई है। हाँ मैडम, आपका काम हो गया। ओके। यार मुन्ना, हाँ एक बात बता। पूछ। तू उस आदमी को कैसे जानता है? कौन आदमी? अरे वही यार जिसने कल हमारी जमानत दे दी। मतलब तू उस आदमी को नहीं पहचानता? लो यार, मुझे लगा वो तेरी पहचान वाला है। यार ये ले, वो आदमी ना मेरे पहचान वाला है ना तेरे पहचान वाला है, फिर उसने अपनी जमानत क्यों करवाई? मुझे ऐसे लगता है शायद वो शरद की पहचान वाला होगा। नहीं यार, वो तो इस शहर में अपनी पहचान नहीं बना पाया, उसे पहचानने वाला कहां से पैदा होगा। यार मुन्ना, यार ये तो वही आदमी है कल वाला। हाँ यार। नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते, नमस्ते साहब। कल आपने जो हमारी मदद की उसके लिए थैंक्स साहब। अच्छा, वो देहाती लड़का कहाँ? वो देहाती? हाँ। कहीं आप शरद के बारे में तो नहीं पूछ रहे? हाँ वही कहा। अब एक छोड़ी सी, चल। कल वाला साहब आ गया। वाला साहब, नमस्ते करना। जयराम जी के साहब। हाँ जयराम जी की। चलो तुम्हें मेरे साथ आना है। कहाँ साहब? अरे तुम्हारी जिसने जमानत दी उसे थैंक्स नहीं कहोगे? कहा कहने का? धन्यवाद नहीं कहेगा? हाँ बोलने का है ना। हाँ तो चलो जाए। हाँ चलो आओ साहब। रुबीना आओ। शरद बैठो। हाँ बैठो बैठो। एक बात बता, इससे पहले कभी पुलिस ने पकड़ा है तुम्हें? नहीं कभी नहीं। पुलिस में बहुत मार पड़ती है पता है? वो हम का मालूम। और पुलिस से तुझे किसने बचाया मालूम? आप ही लोगों ने तो बचाया। धन्यवाद धन्यवाद। ये बात ध्यान रखना। अच्छा तुम गैराज में काम करते हो ना? हाँ। कितना पगार मिलता है तुम्हें? 500 रुपया मिलता है। 500 रुपया? 5000 कमाना है महीने के। 5000? हाँ कमाना है। सिगरेट पीते हो? वो तो हम बचपन से ही पीते हैं। ये सिगरेट पी के देखो। पियो पियो। कुछ फर्क महसूस हुआ? हाँ हमका हल्का सा झटका लगा है। ये सिगरेट मसाला वाला है, इसके अंदर जो मसाला है वही तुम्हें बेचना है। बोलो करोगे ये काम?
हाँ जरूर करेंगे, लेकिन वो 5,000 तो हमको मिलेगा ना। 5,000 क्या, उससे भी ज्यादा मिल सकता है। अरे जितना माल बेचोगे ना उतना ज्यादा कमाओगे। फिर तो हम जरूर बेचेंगे। जाने कितने इसके है एक पल जादू एक पल दू, समझना इसको नहीं आसा, कभी आंसू कभी मुस्का। नफरतों की आग में जलता रहा हूं मैं ही सदा, है मुझे अफसोस न आई मुझको जीने की अदा, जान कर अब रहूंगा मैं।